बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक हसन रजाक, आप देख रहे हैं CD52 न्यूज। हम शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां DPO सियालकोट अब्दुल गफार केसरानी ने अवाम के नाम अपने अहम वीडियो पैगाम में कहा है कि इंसाफ की राह में रिकावट डालने वाले माफिया के दबाव में हरगिज नहीं आएंगे। शहरी ब्लैकमेलिंग और मनफी प्रोपोगंडा करने वाले टाउट अनासर के बहकावे में ना आए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ये पिछले चंद दिनों से सियालकोट पुलिस के बारे में और खासतौर पर मेरे यानी DPO के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे सियालकोट के कुछ लोगों ने और कुछ और लोगों ने कुछ एक कैंपेन शुरू की है, एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है और उस पर इल्ज़ामात लगा के करप्शन के और इस तरह के। मैं उस सिलसिले में एक बात करना चाहता हूँ कि जब से मैं यहाँ पे सियालकोट के अंदर आया हूँ तो हमने पूरी कोशिश की है कि हम गरीब आदमी की दादरसी करें यहाँ पे और मेरिट के ऊपर काम करें। ये गरीब की दादरसी करना और मेरिट पर काम करना, ये कुछ लोगों को हज़म नहीं हुआ। ख़ासतौर पर लास्ट वीडियो मैसेज में मैंने जो मैसेज दिया था उसके अंदर कुछ मैंने एक बात की थी, कुछ टाउट किस्म के लोग हैं जो पुलिस और पब्लिक के दरमियान एक बदगुमानी पैदा करना चाहते हैं और ये अब उस सिलसिले की कड़ी है। ये मौजूदा इल्ज़ाम लगाया गया है, ये एक ऐसे शख्स ने इल्ज़ाम लगाया है जिसकी फैमिली के ऊपर और जिनके ऊपर 8-9 पहले डकैती के पर्चे हैं, मंशियात के पर्चे हैं उस पर, वो रिकॉर्डेड वर्किंग के मुताबिक जामिन अब्बास के चेहरे और पेट में फाइल मारे गए। वर्किंग का कहना था कि पुलिस नामजद मुल्जमान पर FIR दर्ज करने से गुरेजा है। बादजा SHO सिटी संबड़याल इकबाल खान की यकीन दहानी पर नामजद मुल्जमान पर FIR दर्ज होने पर वर्किंग ने इत्तेजाज खत्म कर दिया। जराए के मुताबिक दो नामजद मुल्जमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरह से ये एक कैंपेन थी जो पुलिस के खिलाफ लॉन्च करने की कोशिश की गई है। हम इस प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगे, ये टोटल बेसलेस बात थी, टोटल इल्ज़ाम था। और एज ए DPO मैं सियालकोट के लोगों से और मौजूद शहरियों से इल्तमास करता हूँ कि वो ऐसी बातों में बिल्कुल ना आए। आपका DPO और आपकी पुलिस आपकी खिदमत के लिए यहाँ बैठी है। ख़ासतौर पर चूँकि मैं कंप्लेंट सेंटर में डेली आपको पहले एक वीडियो मैसेज दिया था कि 12 से लेकर 2 बजे तक मैं यहाँ मौजूद होता हूँ और तमाम गरीब लोगों से मिलता हूँ, अच्छे लोगों से, शरीफ शहरों से मिलता हूँ, जिनकी दादरसी की ज़रूरत होती है उनकी दादरसी करता हूँ। तो ये बेसिकली पब्लिक से जो डायरेक्ट कंटेक्ट है, ये कुछ टाउट और कुछ ऐसे किस्म के लोग हैं जिनको ये बात हज़म नहीं हो रही। वो चाहते हैं कि हमारे थ्रू DPO साहब लोगों से मिलें। मैं बिल्कुल अपने और लोगों के दरमियान में कोई दीवार नहीं आने दूंगा और मैं इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। मैं एक दफ़ा फिर इरादा करता हूँ कि सियालकोट पुलिस इंशाल्लाह बे आवाज़ों की आवाज़ बनेगी।